गुड मॉर्निंग ऑल, मैं नवल, आप लोगों का मेरे चैनल पर गुरुकुल स्वागत करता हूँ। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गेट में आए हुए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डीवी में आया हुआ था, इसमें तीन टेबल गिवन थी, कैटलॉग, एक सप्लायर, एक पार्ट्स और एक क्वेरी गिवन थी। सिलेक्ट एस डॉट एस नंबर, एस कॉमा एस डॉट एस नेम, s.s number और s.s name सिलेक्ट करना था फ्रॉम सप्लायर s, सप्लायर s एंड कैटलॉग c, वेयर s.s number इक्वल टू c.s number। एक्शन में क्या है ये और ये क्या है, की थी, इसमें ये की थी और इसमें ये की थी, ठीक है। तो सप्लायर s.s number c.s number इक्वल होना चाहिए, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए एंड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक और क्वेरी थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये क्या है नेस्टेड क्वेरी थी, तो नेस्टेड क्वेरी सॉल्व करते हैं। जो था सिलेक्ट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम कैटलॉग वेयर p नंबर इक्वल टू p4 ग्रुप बाय p नंबर, ठीक है। तो कैटलॉग में से जिसका p नंबर क्या है p4 है, उसका क्या है एवरेज कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। तो p4 किस किस का है, इसका है और इसका है, कॉस्ट क्या है 250। तो इसकी एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, कितना आएगा 200 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ से क्या रिटर्न आएगा 225। तो अब क्वेरी क्या हो गई, क्वेरी हो गई कि सिलेक्ट एस डॉट एस नेम एंड एस डॉट एस नंबर फ्रॉम सप्लायर एंड कैटलॉग वेयर एस डॉट एस नंबर इक्वल टू सी डॉट एस नंबर एंड कॉस्ट इज ग्रेटर देन 225। तो हमको देखना है कि एस डॉट एस नंबर इक्वल टू सी डॉट एस नंबर होना चाहिए, कॉस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए 225। तो हम देखेंगे कॉस्ट ग्रेटर देन 225 किस किस की है, 250 है और ये, और ये इक्वल है 250 एस डी 300 एंड 250, ठीक है। तो ऐसे कितनी कितने रो निकल के आएंगे, इसमें कुछ ज्यादा नंबर ऑफ रो रिटर्न बाय द अबव एसक्यूएल क्वेरी, कितनी निकल के आएंगे 4 रो निकल के आएंगी। एक रो निकल के आई कौन सी, एस टू 250 वाली, एक एस थ्री 250 वाली, एक एस थ्री 300 वाली और एक एस थ्री 250 वाली। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी निकल के आएंगी 4। ये नेस्टेड क्वेरी का क्वेश्चन था, केवल कुछ नहीं कहना था, पहले हमको उन सब का एवरेज कॉस्ट निकालनी थी जिसका पी नंबर p4 है, तो कितना निकल के आया 225, ठीक है। और फिर हमको करना था ये निकालने थे ऐसी नंबर ऑफ रो कितनी है जिसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा है और एस डॉट एस नंबर सी डॉट एस नंबर के, ठीक है। क्या आंसर है 4। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनीवन रिलेशनशिप ऑफ अ वीकली सेट इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्वेश्चन था आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये कि मेनी टू वन रिलेशनशिप के लिए वीकली सेट के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसका यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है डायमंड्स। वीकली सेट को रिलेशनशिप जब भी हम दिखाते हैं तो उसको हम किससे दिखाते हैं, डबल डायमंड से, ठीक है, डबल ऑर्डर डायमंड से। तो इसका आंसर क्या था डायमंड्स पे डबल ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन आईपी बेस्ड राउटर, ठीक है। एक राउटर है उसकी फंक्शनैलिटी पे क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट था अ राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट्स ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। राउटर क्या है आईपी पैकेट्स में मॉडिफिकेशन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। फॉल्स क्योंकि राउटर क्या करता है, राउटर जब राउटिंग करता है तो सेगमेंटेशन करता है, तो ये क्या है आईपी पैकेट्स पे क्या है मॉडिफिकेशन करता ही करता है, ठीक है। तो राउटर हमेशा आईपी पैकेट्स में फॉरवर्डिंग करता है, क्योंकि राउटिंग का काम अल्टीमेटली कौन करता है, राउटिंग करता है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि स्टैटिक राउटिंग भी होती है, अगर स्टैटिक राउटिंग यूज करना है तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने का जरूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है अ राउटर शुड रीअसेंबल आईपी सेगमेंट्स इफ द एमटीयू ऑफ द आउटगोइंग लिंक इज लार्जर देन द साइज ऑफ इनकमिंग आईपी पैकेट्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये मान लो राउटर है तो अ राउटर शुड रीअसेंबल आईपी सेगमेंट्स इफ द एमटीयू ऑफ आउटगोइंग लिंक इज लार्जर देन द साइज, मतलब अगर ये पैकेट्स आ रहे हैं तो राउटर क्या कर सकता है रीअसेंबल कर सकता है अगर इस जो आउटगोइंग लिंक है उसकी एमटीयू ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रीअसेंबलिंग हमेशा कहां होती है डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है सेकंड, ओनली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट्स इनटू एन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट इफ द लिंक्ड लिस्ट नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। देखो एक लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट में इंसर्टिंग का क्वेश्चन आया है। लिंक्ड लिस्ट में अगर हम रिसर्च करते हैं, मान लो ये पहले से क्या के मान है कि एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट है, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट है, अगर तो उसमें इंसर्शन हमको अगर करना है तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है हमेशा ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है कि सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में। अब सॉर्टेड ऑर्डर में अगर होना चाहिए तो हम मर्ज सॉर्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में इसका आंसर चलेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का मतलब कैसे, देखो अगर मान लो पहला एलिमेंट ये इंसर्ट किया, नेक्स्ट एलिमेंट ये इंसर्ट किया, मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, नेक्स्ट एलिमेंट ये मान लो 20 है और नेक्स्ट एलिमेंट है मान लो 10, और अगर हम ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट 10 इंसर्ट किया तो अब हमको फिर से इसको सॉर्टेड करना है, तो फिर हमको इस एलिमेंट का ट्रैवर्स करना पड़ेगा और इसको सॉर्टेड करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आया मान लो 30, तो 30 को अगर हम इंसर्ट करेंगे, मान लो ये 30 इंसर्ट किया, ठीक है, तो फिर सारे एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड करना पड़ेगा। अगर क्या होता कि इसमें बेस्ट केस पूछा जाता, बेस्ट केस पूछा जाता तो इसका आंसर जाता एंड लॉग एन, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के इंसर्ट करने के बाद मर्ज सॉर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्स्ट वर्स्ट पूछा है तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आंसर आउट ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक कीजिए, थैंक यू।